वफाकी हुकूमत ने कौमी भंग पॉलिसी लाने का फैसला किया है। इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है। काबीना इजलास में कौमी भंग पॉलिसी पेश की जाएगी। कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022-27 भी इजलास के एजेंडे में शामिल होगी। कानून साजी से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसले भी इजलास में मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। काबीना के इजलास में अहम माशी और सियासी फैसलों का इम्कान है, जबकि मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में CDA का 2022-23 का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और नजरसानी बजट में भी मंजूरी के लिए पेश होगा। वाज़ह रहे कि 2020 में पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने अद्वियात में इस्तेमाल के लिए एक महदूद पैमाने पर भंग की काश्त की इजाज़त दी थी और इस बारे में मुतालिका हुक्काम को अमली इकदाम करने का हुक्म दिया था। भंग की काश्त हुकूमत की निगरानी में करने का फैसला किया गया था, जबकि निजी शोबे को इस मंसूबे में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई थी। हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि भंग की काश्त से 3 साल में पाकिस्तान $1 अरब का ज़र मुबादला कमा सकता है। इस हवाले से साबिक वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा था कि भंग की काश्त के लिए पेशावर, जेहलम और चकवाल के इलाकों का इंतखाब किया गया है। कराची यूनिवर्सिटी में कायम इदारे इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस ICCBS ने तहकीक के बाद भंग की काश्त के लिए 3 इलाकों की निशानदेही की थी, जिनमें मरी एक्सप्रेस वे से मुलहका इलाका मौजा लोकोट, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का जिला हरिपुर और सिंध के जिला ठट्टा का इलाका मीरपुर साकरो शामिल है। उन्होंने कहा कि भंग कैंसर समेत इन दीगर बीमारियों की अद्वियात बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, जिनमें मरीज शदीद दर्द के शिकार हो जाते हैं।